फॉर टुडे हायर पावर ग्रांट मी द विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन वॉट वी कैन बी चेंज एंड वॉट आई मस्ट एक्सेप्ट प्लीज हेल्प मी ग्रेटफुली एक्सेप्ट द लाइफ आई हैव बीन गिवन. जब तक मैं खुद को स्वीकार नहीं करूँगा, जीवन को स्वीकार करूँगा जैसा भी है उसको वैसे ही स्वीकार नहीं करूँगा तो बड़ा मुश्किल है. आत्म शांति प्रार्थना में है ना, पहली लाइन क्या बोलती है कि उन चीजों को स्वीकार करने की शक्ति दो जिसको हम बदल नहीं सकते. किस किस चीज को नहीं बदल सकते हम, ये बताएगा. सामने वाले व्यक्ति को, हम किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना. जगह को नहीं बदल सकते और किसी सिचुएशन को नहीं बदल सकते. यहाँ पे पहला स्टेप अप्लाई करना पड़ता है. आत्म शांति अब प्रार्थना भी यही बोलती है कि हे प्रभु हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते. इन चारों चीजों को हम नहीं बदल सकते. जब जब भी हमने इनको बदलने का प्रयास किया जिंदगी में परेशानी. जिस भी परिस्थिति में मैं आज रह रहा हूं उसका निर्माण मैंने खुद किया. जिसने उस स्लोगन पे काम कर दिया ना,